क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम अमित कुमार है। अमित जी, आज सारा उत्तर प्रदेश जो है वो बहुजन समाज को सपा और बसपा के गठबंधन को क्यों एग्रीड कर रहा है? सर ऐसा है, जो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी वरिष्ठ कार्यकर्ता और नेता हैं वो एक जातिवादी पार्टी के विरुद्ध और समाज में जातिवाद फैलाना चाहते हैं। जैसे हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के साथ जब उन्होंने कुर्सी छोड़ी थी, तो योगी आदित्यनाथ ने जो कुर्सी संभाली थी तो उस समय उनका जो अपमान हमारे योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी ने करके किया, जो गोमूत्र छिड़क कर गंगा जल छिड़क करके उनका एक अपमान किया है, उसका मैं समझता हूँ ये एक जातिवाद को बढ़ावा दे रही है। तो इसी समझ में जो बहुजन समाज पार्टी है वो एक समतामूलक समाज, सर्व समाज के लोगों को एक साथ लेकर के, जैसे कि बहुजन समाज पार्टी में नीचे से ऊपर तक के सभी कार्यकर्ताओं को समान सम्मान मिलता है, तो लोग बहुजन समाज पार्टी को इसीलिए भी पसंद करते हैं। और जो बहुजन समाज पार्टी गरीबी स्तर से लेकर के सभी, जो चाहे पूंजीपति हों या किसी भी के साथ भेदभाव नहीं करती है, सबको एक समान अधिकार के साथ या समान। अमित जी, बसपा की सरकार आती है तो देश के अंदर क्या परिवर्तन आएगा? सबसे पहले तो कानून व्यवस्था दुरुस्त होती है, चाहे वो छोटे से पुलिस कर्मी का हो या आईपीएस या अधिकारी हो, कोई भी हो, जो भी समाज में जो गुंडागर्दी होती है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। और जितने भी कार्य में दफ्तरों में जो कर्मचारी होते हैं, समय से 9 बजे के करीब, अगर 10 बजे का समय है तो 9:50 पर अपनी कुर्सियों पर जाकर के कुर्सियां संभाल लेते हैं। ऐसा बहन जी का सख्त शासन और देखने को मिलता रहा, जैसा कि पहली बार जब 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं, मुख्यमंत्री के शासन में आपने पूरे उत्तर प्रदेश में एक हड़कंप रहता था। जब बहन जी किसी भी क्षेत्र में आती थी तो कानून व्यवस्था बहुत अच्छी और साफ सुथरी होती थी, सड़कों की व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा। बहन जी की बात कर रहे हैं तो बहन जी आगे आने से क्या जाति विशेष के ऊपर फर्क पड़ेगा? क्या बहुजन समाज ही मजबूत हो गए या उसमें ब्राह्मणवाद वगैरह सभी मजबूत होंगे? सभी समाज मजबूत होता है। बहन जी कभी केवल अपनी जाति विशेष पर बात नहीं करती हैं, एक ये तो बहन जी स्पष्ट कहती हैं कि मैं एक दलित समाज से हूँ, लेकिन कभी वो ये नहीं कहती हैं कि मेरा वोट बैंक ही है, वो सर्व समाज को साथ में लेकर के चलती हैं। जैसे कि पार्टी में सतीश चंद्र मिश्रा जी बिल्कुल राइट हैंड बनकर के बहुजन समाज पार्टी को दे रहे हैं, जो कि हमारी लड़ाई जो है वो केवल एक ब्राह्मण से नहीं है, ब्राह्मण से हमारी लड़ाई नहीं है, हमारी जो लड़ाई होती है वो ब्राह्मणवाद से होती है, जो मानवतावाद के विरुद्ध जाता है। और हम जो लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो सब एक मानवता के समान, जैसा कि बहन जी ने आज की स्पीच में बोला है कि मैंने गौतम बुद्ध नगर जिले का जो नाम रखा था वो मानवतावादी या मनुष्य को समानता देने वाले तथागत गौतम बुद्ध की विचारधारा को आगे बढ़ाने के नाम पर रखा था। जी धन्यवाद। आपका क्या नाम है, मैं जान पाऊंगा? मेरा नाम दीपक कुमार है। दीपक जी, आज बहुजन समाज के इतने फॉलोवर कैसे हो गए? मतलब कहाँ तो ये SC ST OBC साथ में नहीं आते, तो क्या बहन जी ने ऐसा कार्य कर दिया कि अभी जो गठबंधन किया है उससे कहीं ज़्यादा मजबूती आ गई है? सर देखिए, पहले जब हमारा OBC समाज हमें अपना दुश्मन समझता था, तब से अखिलेश जी के साथ जो योगी जी ने किया है, जो उनके ऑफिस का शुद्धिकरण कराया है गोमूत्र छिड़क के, उनको भी एहसास हो चुका है कि वो फॉरवर्ड नहीं बैकवर्ड है। ये अखिलेश जी भी कह चुके हैं कि हम तो एहसास करा दिया कि हम बैकवर्ड हैं। और जो इन्होंने जातिवाद का जहर हमारे देश में घोला है, इसको अब जनता जाग चुकी है, जान चुकी है, इसलिए जनता एक हो रही है पूरी हमारे देश में। जो अब चौकीदार अभियान चला रहे हैं, मैं कहता हूँ क्या हमारे देश को चौकीदारी की जरूरत है? अरे चौकीदार नहीं, हमें तो एक प्रधानमंत्री की जरूरत है। कोई चौकीदार, सब कहते हैं चौकीदार बन रहे हैं, कोई अम्बेडकर बनेगा, कोई डॉक्टर कलाम भी बनेगा, या सब चौकीदार बनेंगे? चौकीदारी की फौज तो हम पड़ोसी से मंगा सकते हैं। आपकी नजर में प्रधानमंत्री का क्या रोल होता है? प्रधानमंत्री का रोल होता है पूरे देश को एक साथ लेकर चलना, पूरे समाज को एक लेकर चलना, हमारी मूलभूत जो हमारी दिक्कत है, परेशानी है, उनको सॉल्व करना, पूरे देश को एक मजबूत स्थिति में लाना। पिछले हम देख रहे हैं 5 साल में मोदी जी ने पूरे देश को, किसी GDP को उठा के देख लीजिए, किसी भी अर्थव्यवस्था को उठा के देख लीजिए, सबका बेड़ा गर्क हो चुका है। कानून व्यवस्था को देख लीजिए, महिलाओं की सुरक्षा को देख लीजिए, हमारे बेरोजगार यूथ बेरोजगार घूम रहा है, शिक्षा का स्तर गिर चुका है। इसलिए बहन जी के शासन में, जब भी बहन जी शासन काल में आई है, तब भी शासन का जो कानून दुरुस्त हुआ है, शिक्षा पे काम किए गए हैं, विकास हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, सर्व समाज की चीजें होती हैं। आपका कहने का मतलब है कि अगर बहन जी आती हैं तो देश फिर दोबारा से सोने की चिड़िया बन सकता है? मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर बहन जी को एक बार देश की कमान दे दी जाए, तो मैं कहता हूँ अब तक की सरकारें जितनी रही हैं सबसे अच्छी और एक सफलतापूर्वक सरकार बहन जी की होगी। धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।